बल्लभ महाविद्यालय मंडी में छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। आम सभा की बैठक में महाविद्यालय में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया और भविष्य के लिए रणनीति भी तैयार की गई। बल्लभ महाविद्यालय मंडी में छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजित आम सभा की बैठक में महाविद्यालय में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया और भविष्य के लिए रणनीति तैयार की गई के साथ ही नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। जानकारी देते हुए पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष आजाद कुमरा ने बताया कि नई कार्यकारिणी में हरनाम सिंह को अध्यक्ष जबकि योगराज को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा 25 सदस्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यकारिणी आगामी एक वर्ष के लिए कार्य करेगी। आज एनएसयूआई मंडी इकाई के द्वारा बल्लभ महाविद्यालय मंडी में एक जनरल हाउस किया जा रहा है, जिसमें जो एनएसयूआई की पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। हर वर्ष जो है एनएसयूआई मंडी इकाई के द्वारा जो भी पुरानी कार्यकारिणी होती है उसको भंग करके नई कार्यकारिणी बनाई जाती है, तो इस वर्ष भी नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जिसमें सर्वसम्मति से हरनाम सिंह जी जिनको अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष जो है योगराज जी को बनाया गया है। इसके साथ 25 सदस्य एनएसयूआई की कार्यकारिणी का गठन किया गया और जो भी नई कार्यकारिणी है उनको जो कॉलेज में जो भी छात्रों को समस्याएं आ रही हैं उनको जो समस्याओं का समाधान करने की और भी जो एनएसयूआई को मजबूत करने की शपथ यहाँ पे दिलाई जाएगी।